हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं प्रथम शिता पे, आप देख रहे हैं प्रथम शिता पे चैनल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब जो ये वीडियो होने वाला है, ESSD आपके जो हिसाब से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मैंने ली तो मुझे कितने पैसे मिले और मुझे क्या बेनिफिट हुआ, उसका जो है मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊँगा। तो मैंने एक चार जो पॉइंट निकाल कर रखे, ESSD आपको लेनी चाहिए या नहीं। फर्स्ट जो पॉइंट है ये मैं आपका पॉइंट क्लियर करूँगा, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए आपको, ब्रांडेड लेनी चाहिए या कौन सी भी लेनी चाहिए, और वो कितने GB तक आपको आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है, और जो आपको कौन सी साटा लेनी चाहिए, NVM, मतलब आपको पता ही होगा इस साटा मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क जैसी, और NVM थोड़ी अलग होती है। आप YouTube पर या क्रोम ब्राउज़र पर गूगल पर सर्च करके लिख सकते हो। तो आपका जो पहला पॉइंट है, SSD जो है आपको लेनी चाहिए या नहीं, आपकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से लीजिए। क्योंकि आपका जो है लैपटॉप या कंप्यूटर होगा वो उसमें जो आपको बहुत जो स्लो जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लग रहा होगा, तो आपको 256 GB या 500 GB तक जो है SSD लगा लेनी चाहिए। और आप जो है आप बोलोगे 128 GB लगा नहीं सकते हो, वो भी लगा सकते हो, पर जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी कम होगी तो आप लगा सकते हो। और मैंने 128 GB जो इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि मेरे पास पैसे का बजट नहीं था। जो अपने सेकंड बात है, आपको कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, तो मुझे दो तीन कंपनी पता है अच्छी, सैमसंग हो गई एक, और जो है दो तीन अच्छे अच्छे जो Seagate हो गया, WD हो गया, इस कंपनी की आप ब्रांडेड कंपनी की जो SSD ले, कौन से भी कंपनी के मत ले, क्योंकि आपको आगे जाके जो है बहुत भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। थर्ड नंबर का है, आपने कितने GB तक लेनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया आपके हिसाब से, आपके पास मतलब 1 TB की हार्ड डिस्क होगी तो आप 256 GB SSD लगा सकते हो। क्योंकि और आपके पास ऐसे कुछ नहीं होगा कि आपके पास मतलब आपको कहाँ भी डेटा नहीं रख सकते, तो 500 GB की SSD आप लगा सकते हो। SSD के मतलब HDD के मुकाबले SSD जो है बहुत फास्ट होती है। मेरा जो लैपटॉप का बूटिंग जो है टाइम है बहुत कम हो गया था, पहले जो है 1 मिनट तक मेरा लैपटॉप भी चालू नहीं होता था, पर अभी जो है मुझे 10 या 15 सेकंड लगते हैं। और इसमें इशू क्या होता है, मेरे को इशू ऐसा लगा कि मैंने जब वीडियो एक्सपोर्ट किया तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है, पर जो मैंने अपना जो इस कॉपी किया, कोई कौन सी फाइल पेस्ट की, उसमें जो है मेरा मुझे कुछ परफॉर्मेंस अच्छा लगा। अब जो है साटा लेनी चाहिए या NVM, जो NVMe जो रहती है वो लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप NVMe जो है वो ही लो, साटा मत लो। साटा लेना चाहे तो आप जो रेयर केस में ले सकते हो, NVMe की जो स्पीड अच्छी रहती है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। आप WD या Seagate या आपको सैमसंग वगैरह की आप ले सकते हो। तो ऐसी वीडियो न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे न्यू वीडियो लाता रहता और लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।